तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद घटना से पूरा भारत हिल चुका है। एक्स सर्विसमैन लीग ने भी इस घटना पर दुख जताया है। एक्स सर्विसमैन लीग अध्यक्ष रवीन शर्मा ने कहा कि आज भारत ने ताकतवर योद्धा को खोया है जो हमेशा फौजियों के बारे में सोचते थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखदायी घटना है जिसके लिए वे सभी फौजी भाइयों की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हुए हादसे की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मैं आज बहुत दुख के साथ शोक प्रकट करता हूं कि हमारे एक योद्धा ताकतवर सीडीएस जनरल बिपिन रावत हम सब ने खो दिया, जो एक फैसला लेने वाले और फौजियों के बारे में सोचते थे। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं पूरी लीग की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश ने एक योद्धा खो दिया, उनके साथ ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब और जो जवान शहीद हुए उन सब के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। लड भड़ोल तहसील के सभी फौजी दुखी हैं इस हादसे से और हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।